फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीबीआईसी ने GSTR-9 यानी कि एनुअल रिटर्न, GSTR-9A और GST ऑडिट GSTR-9C के रिकन्सिलेशन फॉर्म के लिए ड्यू डेट को 31 अगस्त से बढ़ा के 30 नवंबर तक कर दिया गया है। सो इस पर्पज़ के लिए सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है, उसने यहाँ पर रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑर्डर 70W 2019 को इशू किया गया है। सो यहाँ पे रीड कर लेते हैं। ऑर्डर नंबर 7/2019 सेंट्रल टैक्स डेटेड 26 अगस्त 2019। सो यहाँ पे सीबीआईसी ने मेंशन किया कि अंडर सेक्शन 44 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 यहाँ पे टैक्स पेयर को रिक्वायरमेंट थी, जो भी नॉर्मल रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो नॉर्मल रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल अंडर सेक्शन 39, उसको यहाँ पे एनुअल रिटर्न को फाइल करना था अदर देन ISD यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स और जिसकी TDS और TCS की लायबिलिटी है, और कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या फिर NRTP है यानी कि नॉन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, तो उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं थी। और कोई भी अदर रजिस्टर्ड पर्सन था तो उसको एनुअल रिटर्न को फाइल करना था फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इन द फॉर्म एंड मैनर एज बी प्रिस्क्राइब बिफोर द 31st day of December यानी 31st December तक फाइल करना था। सो वेयर एज द पर्पज ऑफ द फर्निशिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर एज रेफर टू इन सेक्शन 1 ऑफ द सेड एक्ट सर्टेन टेक्निकल प्रॉब्लम आर बीइंग फेस्ड बाय टैक्स पेयर। यहाँ पे CBIC का मानना है कि यहाँ पे जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट थी 31st December 2018, उस डेट पर यहाँ पे रिटर्न फाइल नहीं की जा सकती क्योंकि टैक्स पेयर को टेक्निकल डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं GST पोर्टल के ऊपर। सो उन टेक्निकल डिफ़िकल्टीज को देखते हुए द सेड एनुअल रिटर्न फॉर द पीरियड 1st July 2017 टू 31st March 2018 कुड नॉट बी फर्निश बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एज रेफर टू इन द सबसेक्शन 1 एंड बिकॉज ऑफ दैट सर्टेन डिफ़िकल्टीज हैव अराइज़न इन द गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेड सेक्शन। सो यहाँ पर जो सेक्शन 44 के अंदर 31st December जो ड्यू डेट मेंशन की गई थी, उस डेट पे यहाँ पे वो एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ पे टैक्स पेयर को डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। नाउ देयरफॉर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 172 ऑफ CGST एक्ट, जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि अगर किसी भी एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने में यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन या फिर अपॉइंटेड डेट सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कोई नया सेक्शन इंसर्ट कर सकती है जो कि एग्जिस्टिंग सेक्शन के इनकंसिस्टेंट हो। सो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एंड द पावर गिवन बाय सेक्शन 172 द सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय मेक्स द ऑर्डर टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज फेस बाय द टैक्स पेयर। सो दिस ऑर्डर मे बी कॉल्ड CGST 7th रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑर्डर 2019 यानी कि 2019 के अंदर ये 7th ऑर्डर रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑर्डर पास किया गया है। इन सेक्शन 44 ऑफ द CGST एक्ट 2017 यानी कि जहाँ पे टैक्स पेयर की रिक्वायरमेंट है कि एनुअल रिटर्न को फाइल करना है फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर अप टू 31st December, जो कि पहले अमेंड किया गया था 31st December से 31st अगस्त। सो अब उसको फर्दर अमेंड किया गया है 31st अगस्त से 30th November 2019, यानी कि अब जो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए जो एनुअल रिटर्न को फाइल करना होगा वो 30th November 2019 तक फाइल करना होगा। सो रुचि वेस्ट अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो द ड्यू डेट फॉर द एनुअल रिटर्न एंड द टैक्स GST ऑडिट और द एनुअल रिटर्न फॉर द कंपोजिशन टैक्स पेयर्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 30th November 2019। थैंक्स फॉर वॉचिंग।